दोस्तों, चाइना अपने नेचर से कभी बाज नहीं आएगा। उसके नेचर में ही है धोखा देना और अपने पड़ोसियों को परेशान करना। उसने पहले पूरे वर्ल्ड को परेशान किया कोरोना वायरस से, और अब अभी रिसेंटली वो परेशान कर रहा है अपनी आर्मी से। अभी रिसेंटली उसने ऐसी अनाउंसमेंट की है, या वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने ऐसा बोला है, जिससे ये लगता है कि चाइनीज़ आर्मी कभी भी अटैक कर सकती है किसी भी देश पे, खासकर इंडिया पे। दोस्तों, अभी रिसेंटली चाइना के राष्ट्रपति जिनपिंग ने अपने पहले संबोधन, साल के पहले संबोधन में अपनी आर्मी को बोला कि आप हर हालत में युद्ध के लिए तैयार रहिए और किसी भी टाइम पे अपने आप को युद्ध के लिए रेडी रखिए। दोस्तों, उन्होंने अपने संबोधन में एक चीज़ और ऐड की है कि अभी जो सीमाओं पे जो टेंशन चल रही है, जो अभी तनाव चल रहा है, आप उसको ध्यान में रखते हुए अपने आप को और रेडी करिए, और ज़्यादा अपने आप को अपग्रेड करिए युद्ध के लिए और अटैक के लिए। तो दोस्तों, इससे चाइना की एक जो सोच है वो समझ में आती है। अभी इंडिया के साथ लास्ट ईयर जून में हमने देखा, 15 जून को इन्होंने इंडिया के सैनिकों को बुलाया बात करने के लिए। वहाँ पे चाइनीज़ आर्मी ने, जो पीएलए आर्मी है वहाँ की, उन्होंने धोखे से इंडियन आर्मी पे अटैक कर दिया। इसमें इंडिया के 20 जवान शहीद हुए, और जब ये 20 जवान हमारे इंडिया के शहीद हुए, उसी टाइम चाइना के भी 40 जवान लगभग शहीद हुए। और चाइना ने आज तक ये चीज़ रिवील नहीं किया कि उनके कितने सैनिक उस दिन मारे गए थे। इंडिया ने अच्छे से बदला लिया उस दिन और धोखे का उनको अच्छे से सबक सिखाया। लेकिन दोस्तों, चाइना अपने इस नेचर के लिए हमेशा पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है। एक, चाइना कभी भी धोखा दे सकता है आपको। दूसरा, चाइनीज़ माल कभी नहीं टिकता, चाइनीज़ माल पे भरोसा मत करना। और तीसरा, जो हमारे अमेरिका के राष्ट्रपति कहते हैं, चाइनीज़ कोरोना वायरस, चाइनीज़ वायरस। तो इन तीन चीज़ों के बारे में चाइना आजकल बहुत फेमस है। और चाइना का ये जो नेचर है अपने पड़ोसियों को लेकर के हमेशा एग्रेसिव रहना, हमेशा लड़ाई के कंडीशन में रहना, कि कभी इंडिया के साथ टसल चल रहा है उनका, कभी जापान के साथ टसल चल रहा है, कभी ताइवान के साथ चल रहा है, तो उनका लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। चाइना का नेचर ही यही है, दूसरों की ज़मीनों पे कब्जा करना। अभी नेपाल, जो चाइना का बहुत सगा बन रहा था, वहाँ के केपी ओली जो प्रधानमंत्री हैं, चाइना के बहुत सगे बन रहे थे। हमें देखने में आया कि नेपाल के कई एरियाज़ पे चाइना ने कब्ज़ा कर लिया है और नेपाल को पता भी नहीं चला। दूसरी चीज़ दोस्तों, चाइना का जो नेचर है वो इंडिया से हमेशा चिढ़ा हुआ रहता है। रीज़न उसका क्या है कि एक इंडिया एक ऐसी इकोनॉमी है जो चाइना को टक्कर दे सकती है आने वाले टाइम पे। चाइना में जो लेबर कॉस्ट है वो बहुत सस्ती है, इसीलिए पूरे वर्ल्ड के लोगों ने, जो इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे जाके उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया और वहाँ पे काम करना शुरू किया। उसी लेबर कॉस्ट को और कम करते हुए इंडिया उसको कम्पीट कर रहा है। चाइना में डे पर डे लेबर कॉस्ट इंक्रीज़ होती जा रही है, और इंडिया एक बहुत अच्छा कॉम्पिटिटर बन के आ रहा है चाइना के लिए। तो दोस्तों, चाइना को जो परेशानी है वो इंडिया से कई लेवल पे है, एक पड़ोसी होने के नाते, एक बिजनेस में कॉम्पिटिटर होने के नाते, और जो आजकल साइंस में इंडिया डेवलप कर रहा है, उन सब चीज़ों को लेकर चाइना बहुत परेशान है। और जो चाइना के राष्ट्रपति हैं जिनपिंग, आपको पता है कि यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी का शासन है, वहाँ पे लोगों को कोई आज़ादी नहीं है, वहाँ पे वन पार्टी रूल है, और वहाँ की जो आर्मी है वो देश की आर्मी नहीं, वो पार्टी की आर्मी है। तो जिनपिंग ने जो अपने संबोधन में कहा कि आप हमेशा रेडी रहिए किसी भी युद्ध के लिए, अपने आप को अपग्रेड करिए और नई नई टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करिए और नए नए टेक्निक सीखिए जंग के और लड़ने के, तो दोस्तों इससे यही समझ आता है कि चाइना के दिमाग में क्या चल रहा है। वो एक बार को लोगों को बात करने के लिए बुलाता है, इंडियन आर्मी को बात करने के लिए बुलाता है, और पीछे से अटैक कर देता है। तो ये चाइना का नेचर है दोस्तों। तो दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है चाइना पर, चाइना और इंडिया को लेकर के, क्योंकि अभी जो रिसेंटली टसल है वो इंडिया और चाइना का काफ़ी बड़ा है, और इसको पूरा वर्ल्ड कवर करता है, पूरे वर्ल्ड की मीडिया इस चीज़ को देखती है। तो दोस्तों, अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक